बारा नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारी प्रथम प्राथमिकता समाज के कमजोर वर्ग बच्चों तथा महिलाओं के ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो इसकी रोकथाम की रहेगी। साथ ही बच्चों व महिलाओं पर अत्याचार होने पर तुरंत कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। यहाँ जिला पुलिस कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पुलिस की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि क्रिमिनल व साइबर अपराधों पर रोकथाम के साथ ही सभी उपखंड स्तर पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का प्रयास रहेगा। वहीं जिला मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण बॉर्डर क्षेत्र में नाकाबंदी चेकिंग निरंतर हो इसी की कार्य योजना अधिकारियों के साथ बैठकर तैयार की जाएगी। साथ ही एनडीपीएस के मामले में भी प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बारा जिले की पुरानी सांप्रदायिकता की हिस्ट्री रही है, इसको देखते हुए सभी वर्गों में सामंजस्य बना रहे तथा भाईचारा खराब ना हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यदि फिर भी कोई इसे बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने शाम को पदभार ग्रहण किया। एसपी बंसल इससे पूर्व टोंक जिले में नवी बटालियन आरएसी में तैनात थे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि सबरवाल का पदोन्नति के बाद बारा से जयपुर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में डीआईजी के पद पर स्थानांतरण हो चुका है। कमजोर वर्ग और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं और जो हमारे बच्चे नारी इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार है उस पर तुरंत कार्रवाई सबसे पहली प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा हमारे जो है महिला पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो प्राथमिकता करी है उसमें साइबर जो हमारे पेशेवर क्रिमिनल और साइबर अपराधी हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण और अपने एक अच्छी पहल करते हुए उपखंड स्तर पर भी ट्रैफिक को सुगम करने की एक व्यवस्था के बारे में जो निर्देश दिए हैं उस पर हम आपस में समन्वय स्थापित करके प्रशासन से और संबंधितों से उसमें भी कुछ प्रगति करेंगे।